हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज हम कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं गाइस पोको C55 का। तो यहाँ पर आप लोग जो है पोको मेरे पास देख सकते हैं, पोको C55 जो है एक फ़ोन है। तो इसका जो कैमरा का मेगापिक्सल है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। इसमें हम लोगों को 50 मेगापिक्सल का जो है AI कैमरा देखने को मिल जाता है। और इसको मैंने गाइस फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था और आज हम जो है उसका जो है कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो मैंने पहले से ही फ़ोटोज़ जो है वो खींच के रखा है गाइस। मैं सिर्फ आप लोगों को फ़ोटोज़ दिखाऊंगा और बताऊंगा कि गाइस कलर कैसा है, डिटेल कैसा आया है, डायनामिक रेंज कैसा है। और अगर आप लोगों को सिर्फ कैमरा के लिए यह फ़ोन ख़रीदना चाहिए कि नहीं, ठीक है गाइस। तो वीडियो पे बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो मेरा फ़ोटोज़ है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने जो फ़ोटोज़ है वो ओपन कर लिया है। अभी जो है मैं ब्राइटनेस फुल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ फ़ोन के सामने लाके। तो देख सकते हैं गाइस ये फ़ोन कुछ इस तरीके का फ़ोटोज़ जो है ले पाता है। लेकिन मैं इस यहाँ पर एक बात कहूँगा गाइस, जो फ़ोटोज़ है वो बहुत ही अच्छा आया है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन ये पीछे जो डायनामिक रेंज है, जैसे कि ये पहाड़ मान लीजिए और यहाँ पर क्लाउड व्लाउड था, लेकिन फ़ोटोज़ में जो है क्लाउड यहाँ पर नहीं आया है। मतलब जो डायनामिक रेंज है वो इतना अच्छा नहीं आया है, आप लोग देख सकते हैं। पहाड़ जो भी जो है वो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद हो गया है और यहाँ पर जो क्लाउड था वो भी क्लाउड यहाँ पर फ़ोटोज़ में नहीं आया है। उसके बाद ये वाला फ़ोटो आप लोग देख सकते हो, इसी फ़ोन से मैंने लिया था। तो फ़ोटोज़ का जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है। कलर जो है वो थोड़ा इतना भी ब्राइट नहीं बोल सकते इसको, कलर जो है थोड़ा फीका फीका टाइप का आया है। और यहाँ पर डायनामिक रेंज जो है वो थोड़ा अच्छा ही है, इसमें ज़्यादा बुरा नहीं आया है गाइस। लेकिन पोको के फ़ोन में जो है गाइस इतना कलर इतना ब्राइट करके नहीं आता है। इसी फ़ोन पर आप इसी फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं जो ये फूल है उसका कलर जो है पूरा रेड था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा फीका कलर आया है, आप लोग देख सकते हो। और बैकग्राउंड में जो ये पत्तियाँ है देख सकते हैं, इसका भी जो कलर है थोड़ा फीका फीका आया है। तो उसके बाद ये वाला फ़ोटो आप लोग देख सकते हो, ये फ़ोटो बहुत ही अच्छा आया है इस फ़ोन से, आप लोग देख सकते हैं गाइस। डिटेल भी अच्छा है लेकिन जूम करने में गाइस थोड़ा जो है फ़ोटो फट जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा ब्लर ब्लर हो जा रहा है फ़ोटो। तो कुछ इस तरीके का कैमरा है इसका। ये फ़ोटो आप लोग देख सकते हैं, इसमें डायनामिक रेंज आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्लाउड था लेकिन यहाँ पर क्लाउड जो है वो शो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो है इसका डायनामिक रेंज इतना अच्छा नहीं है गाइस। लेकिन जो फ़ोटो का क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा आया है। अगर फ़ोटो और थोड़ा कलरफुल होता तो फ़ोटो दिखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता। उसके बाद मैं आप लोगों को इस फ़ोन का जो है एक वीडियो दिखा देता हूँ गाइस। तो वीडियो यहाँ पर मैंने लिया था इसी फ़ोन से। तो वीडियो कुछ देख सकते हैं, वीडियो में शार्पनेस कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने को मिल रहा है। जो पत्तियां है या फूल वगैरह है वो दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा है, सिर्फ जो है आप लोगों को शार्पनेस ज़्यादा दिखने को मिलेगा हमारे इस फ़ोन में, पोको के फ़ोन में। तो वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा आप लोगों को इस फ़ोन में नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोग सेल्फ़ी देख सकते हैं, सेल्फ़ी भी अगर आप लोग जूम करोगे तो थोड़ा ब्लर ब्लर टाइप का आएगा गाइस सेल्फ़ी। मेरा देख सकते हैं यहाँ पर दाढ़ी जो है वो पूरा ब्लर हो चुका है। तो सेल्फ़ी भी गाइस इतना अच्छा नहीं है इस फ़ोन में। कि ये फ़ोन अगर आप लोगों कैमरा के लिए लेना चाहते हो तो इसी प्राइस पॉइंट में आप लोगों को दूसरा फ़ोन मिल जाएगा गाइस, इससे भी अच्छा कैमरा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें इतना अच्छा आप लोगों को कैमरा देखने को नहीं मिलेगा गाइस। तो अभी हम कैमरा मोड में देखते हैं कि गाइस कैमरे में क्या क्या मोड आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो मोड है, फ़ोटो मोड में आप लोगों को HDR मोड यहाँ पर ऊपर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग कैमरा वामर लगा के यहाँ से जो है फ़ोटोज़ खींच पाओगे। उसके साइड में देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ से आप लोग पोर्ट्रेट मोड का जो ब्लर है वो यहाँ से आप लोग सेट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर नाइट मोड हमको देखने को मिल जाता है। रात को अगर आप लोग फ़ोटो खींचना चाहते हो तो नाइट मोड ऑन करके खींच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मोर के ऑप्शन में गाइस देख सकते हो सिर्फ 50 मेगापिक्सल एंड टाइम लैप्स का ही ऑप्शन है और यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन दिखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर गाइस और एक ड्रॉबैक पॉइंट है, यहाँ पर हमको प्रो मोड नहीं मिलता है, यहाँ पर हमको मैक्रो लेंस नहीं मिलता है।
तो यहाँ पर हमको बहुत सारा जो है मोड जो है वो दिखने को नहीं मिलता है गाइस, सिर्फ 50 मेगापिक्सल एंड टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है वही मिलता है। तो अगर आप लोगों को बहुत सारा मोड चाहिए तो ये फ़ोन आपके लिए नहीं है गाइस, क्योंकि इसमें आप लोगों को सिर्फ जो टाइम लैप्स मोड है वही मिलेगा और जो नाइट मोड है वही मिलेगा। यहाँ पर हम अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो में जूम करके दिखा देता हूँ, तो वीडियो में जूम सिर्फ 6x तक ही होता है, देख सकते हैं गाइस। और फ़ोटो में भी आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ मैं, तो फ़ोटो में गाइस 10x तक का जूम आप लोग कर सकते हो। अगर हम वीडियो का रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आप लोग 1080p 30fps तक का जो है वीडियो बना सकते हो इसमें, यही इसका मैक्स सेटिंग है गाइस 1080p 30fps। तो यही है गाइस इसका कैमरा। तो मैं कंक्लूजन बता देता हूँ गाइस, अगर आप लोगों को यह फ़ोन कैमरा के लिए लेना है तो इसको मत लो गाइस, क्योंकि इसी प्राइस फ़ोन में आप लोगों को दूसरा फ़ोन मिल जाएगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही पोको का फ़ोन अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर ले सकते हो, लेकिन आप लोग अगर सोचो कि मुझे कैमरा अच्छा मिलेगा मैं पोको का ये मॉडल ले लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। पोको का इस मॉडल का कैमरा थोड़ा इतना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने खुद देखा है गाइस, यहाँ पर जो मोच है वो कुछ भी मोच यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, और जो कैमरा का क्वालिटी है वो भी इतना अच्छा नहीं है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।